राधे राधे एवरीवन। सो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं बेसन और सूजी का हलवा। हमने लिया है काजू बादाम सूजी और बेसन। यहाँ पे हम सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 3 चम्मच घी डाल देंगे। उसके अंदर हमें काजू और बादाम डालने हैं। इनको फ्राई करना है। इनको हमें इतना फ्राई करना है कि वो ब्राउन कलर की हो जाए। जलाना भी नहीं है, नॉर्मल क्रंची करना है ताकि अच्छा टेस्ट आए, क्योंकि कच्चेपन का टेस्ट आता है तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं पहले ही फ्राई कर लेती हूँ घी में। अब हमें इसके बाद इसी घी के अंदर हमें ऐड करनी है 1 कटोरी सूजी। सूजी को हमें घी में भूनना है, इसको चलाते रहना है। उसके बाद इसके साथ हमें ऐड करना है बेसन, 1 कटोरी बेसन। फिर इसको हमें बेसन को अच्छे से चलाना है, छोटी छोटी गांठ नहीं पड़नी चाहिए। बेसन को खूब अच्छे से इन दोनों को हमें भूनना है, और इसको हमें इतना भूनना है कि वो ब्राउन कलर का हो जाए ताकि कच्चेपन का टेस्ट ना आए। खूब अच्छे से भूनना है, इस कलर का करना है हमें ताकि टेस्ट अच्छा आए। मतलब जलाना भी नहीं है, टेस्ट अच्छा आना चाहिए, जले की स्मेल ना आए, इतना भूनना है। इसके बाद हमें ऐड करना है इसमें पानी। पानी ऐड करने के बाद इसे खूब अच्छे से चलाना है, छोटे छोटे गठीले ना पड़े ताकि, इसलिए चलाते रहूँ। हल्का पतला ही रखना है स्टार्टिंग में, और खूब अच्छे से चलाऊँ। इसके बाद मैंने यहाँ पे 3 चम्मच दूध में कुछ केसर के पंखुड़ी डाली हैं। इससे टेस्ट अच्छा आता है और हलवे का कलर भी अच्छा हो जाता है। इसे थोड़ी देर के लिए रखना है। फिर हमें इसको हमें हलवे में ऐड करना है। इससे कलर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। हलवा देखो अब नॉर्मल हो गया, पहले पतला था अब नॉर्मल हो गया। थोड़ी देर में ही नॉर्मल हो जाता है, थोड़ी मंदी गैस पर रखना। चीनी मैंने पहले ऐड कर दी थी लेकिन मुझे कम लगी, इसलिए मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 चम्मच ऑर्डर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालो और फिर इसको चलाओ अच्छे से। इसमें थोड़ा उबाल आने लगता है। उबाल आने के बाद हमें अपने जो ड्राई फ्रूट हमने फ्राई करे थे वो हमें इसमें ऐड करने हैं। खूब अच्छे से चलाना है, और इसे हमें तब तक चलाना है जब तक हलवा साइड से घी ना छोड़ दे। अगर वो घी छोड़ देता है साइड से तो समझ जाइए हलवा बनकर तैयार है। और ये हलवा सीरियसली गाइस बहुत अच्छा बना था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, बहुत टेस्टी था। बाय। राधे राधे।